एक समय था जब लोग रामायण देखने किसी एक स्थान पर जुटते थे और पूरी श्रद्धा के साथ रामायण देखते थे। आधुनिकता के इस दौर में जहां अब लोगों के पास समय का अभाव है, ऐसे में आज भी एक कार्यक्रम ऐसा है जिसे लोग एक साथ बैठकर देख रहे हैं। ये कार्यक्रम है मोदी की मन की बात। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात 50वां एपिसोड का प्रसारण हुआ, जिसे न केवल देश में बल्कि हिमाचल में भी लोगों ने खूब उत्साह के साथ देखा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जहां रोडों में मोदी के मन की बात सुनी, तो वहीं लोगों ने अलग अलग स्थानों पर एक साथ जमा होकर मोदी के मन की बात का 50वां एपिसोड देखा। भारतवर्ष के सम्माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आज 50वीं मन की बात टीवी चैनल और रेडियो द्वारा प्रसारित की गई थी, जिसके लिए प्रत्येक बूथ केंद्रों में एकत्रित होकर बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक व महिला मोर्चा, समस्त कार्यकर्ताओं, बुजुर्ग महिलाओं ने, नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हमारे हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय श्री सतपाल सत्ती द्वारा भी सभी कार्यकर्ताओं को बताया गया कि वह आज 25 तारीख को प्रधानमंत्री की मन की बात एकत्रित होकर सुने और समझे, प्रत्येक कार्यकर्ताओं को अवगत करवाएं, जिसके लिए हमने पालना करते हुए और हमारे जिला सिरमौर रेणुका विधानसभा क्षेत्र से सम्माननीय अध्यक्ष श्री प्रताप सिंह तोमर के दिशा निर्देश अनुसार सभी रेणुका विधानसभा क्षेत्र के 123 बूथों पर प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने अपने साथ सहयोगी दल के साथ मन की बात सुनी। इसके लिए प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान के योग्य है। ग्राम सिंह में जो कि बूथ नंबर 24/24 है, यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की 50वीं मन की बात सुनी, जिसमें हमारी महिला मोर्चा के सबसे अधिक 5 में से 4 महिलाएं उपस्थित हुई और उसमें हमारे जो पन्ना प्रमुख, यहाँ के कुल 9 हैं, उसमें से 3 पन्ना प्रमुख हुए उपस्थित हुए और बाकी भाजपा के सदस्य उपस्थित हुए। तो टोटल जो आज की उपस्थिति है वो 11 की है, इस बूथ की है। मैं सब कार्यकर्ताओं का इस मन की बात सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ और मैंने इनको बताया भाई हर माह 1 से 9 तक बूथ की बैठक की जाए, जिसमें, और मैंने लोगों को ये बताया 9 पन्ना प्रमुख है और इनको मैंने हर पन्ना प्रमुख को ये बताया भाई आपकी इस पन्ने में आपकी ड्यूटी है, तो उसमें हमने ये देखना है कितने हमारी पार्टी के हैं, कितने कांग्रेस के हैं, कितने सदस्य ऐसे हैं जो कि इधर उधर घूम सकते हैं और कितने ऐसे हैं जो कि कहीं भी नहीं है। तो मैंने आज ये पूरा इस बैठक में इनको समझाया और मैं पुनः अपने ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर भाजपा रेणुका मंडल अध्यक्ष प्रताप सिंह तोमर के साथ अन्य गणमान्य भी उपस्थित रहे। आदर्श हिमाचल ब्यूरो रिपोर्ट।